हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं वॉलपेपर हम चेंज कैसे कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे को वॉलपेपर पसंद नहीं आ रहा है और लॉक स्क्रीन पर भी मेरा यही वॉलपेपर लगा हुआ है, ये देखिए। तो मैं इसको चेंज कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेटिंग पर क्लिक कर लेना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन है, लॉक स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करना है। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ओपन थ्री स्क्रीन पर क्लिक करेंगे या फिर हम यहीं से वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे और चेंज कर सकते हैं, और ओपन थ्री एफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हैं वॉलपेपर आपको नज़र आ रहे हैं। आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपना वाईफाई कनेक्ट करना होगा या फिर नेट ऑन होना चाहिए आपका। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मुझे ये चेंज करना है तो इस पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। ये देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन एंड होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन। तो मैं दोनों पर लगाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक कर दूंगा होम एंड लॉक स्क्रीन पर। क्लिक करते ही मेरा ये सक्सेसफुली हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं लॉक स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।